तो भाई फटाफट से न्यूज़ का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ है सच में। और न्यूज़ का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज का सवाल, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट्स में। देखते हैं आपको नॉलेज है या नहीं। 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, उसमें रिकी पोंटिंग ने कितना स्कोर बनाया था और कितनी बॉल्स में बनाया था? इसका जवाब फटाफट से जो मुझे सबसे पहले देगा उसका कमेंट में पिन करूंगा और अगली वीडियो में उसका नाम भी लिया जाएगा। वीडियो का सिलसिला फटाफट से शुरू करते हैं। और मैं फटाफट से मैच के हाल की भी बात कर लेते थोड़ा सा। और इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच चल रहा है, इंग्लैंड ने तो बहुत ज़्यादा रन बना ही दिए थे। आप सबको पता है कि 432 रन जो थे वो इंग्लैंड ने बना दिए थे, और उसके पहले इंडिया ने 78 बनाए थे, वो तो सबको पता ही है। इंग्लैंड ने आज दिन की शुरुआत में 432 पे अपनी इनिंग खत्म करी थी और इंडिया उसके जवाब में अभी जो ये वीडियो बन रही है 185 पे 2 है। अच्छी बात है, विराट कोहली और पुजारा की पार्टनरशिप हो रही है। चेतेश्वर पुजारा जो है वो 77 पे खेल रहे हैं, 150 बॉल उन्होंने खेली हैं, 13 चौके लगाए हैं, थोड़ी स्पीड से खेल रहे हैं, अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। विराट कोहली 32 के स्कोर पे खेल रहे हैं। रोहित शर्मा और केएल राहुल जो है दोनों आउट हो चुके। रोहित शर्मा ने 59 रन बनाए थे, तो अच्छी बात है कि इंडिया फिलहाल थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन में कह सकते हैं, हालांकि ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। कोशिश ये रहेगी इंडिया की कि आज के दिन कोई और विकेट लूज़ ना करे, दिन ख़त्म होने वाला है थोड़ी ही देर में, और इंडिया की कोशिश होगी कि कल भी पूरा दिन इंडिया बैटिंग करे। हालांकि वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा की बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो जाए और हो सकता है दोनों ही शतक लगा जाएँ, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, इंडिया के लिए ज़रूरी भी है। खबरों का सिलसिला फटाफट से शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले और सबसे ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आ रही है नीदरलैंड की विमेन क्रिकेटर फ्रेडरिक ओवरडिक की तरफ से, जिन्होंने T20 में एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग का रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने सिर्फ 4 ओवर, जैसे कि 4 ओवर का स्पेल होता है, सिर्फ 4 ओवर में उन्होंने 2 तो डाले मेड इन और सिर्फ 3 रन दिए। 4 ओवर में 2 मेड इन और सिर्फ 3 रन दिए, और आपको जान के हैरानी होगी कि विकेट उन्होंने लिया पूरे 7। 4 ओवर में 7 विकेट सिर्फ 3 रन देकर, और जिसमें से 2 ओवर मेड इन। और बात की जाए अगर मेल क्रिकेट की, तो उसमें T20 में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है दीपक चहर के नाम। जी हाँ, हमारे इंडिया के जो दीपक चहर हैं, उन्होंने सिर्फ 3.2 ओवर में 7 रन दे के 6 विकेट ले रखे हैं, जो कि फिलहाल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगली ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आ रही है, न्यूजीलैंड के क्रिस केन्स जो ऑलराउंडर थे, अब तो खैर क्रिकेट नहीं खेलते हैं, आपको याद होगा कि उनको हार्ट अटैक आया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब उनको हॉस्पिटल से तो उनको रिलैक्सेशन मिल गया था, उनकी सर्जरी वगैरह ख़त्म हो गई थी, सब कुछ सही से हो गया था, लेकिन अब उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया, उनके पैरों में पैरालिसिस हो गया है। अब बात करते हैं फटाफट से कुछ स्टोरीज की। IPL में महेंद्र सिंह धोनी की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए दिखे हैं फाफ डुप्लेसी। उन्होंने कहा कि भाई मेरे 10 साल जो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रहे हैं वो बहुत ही गजब के रहे हैं, और महेंद्र सिंह धोनी जैसा कैप्टन मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मुझे महेंद्र सिंह धोनी जैसा कैप्टन मिला और उनसे बहुत सारी चीज़ें जो है मुझको सीखने को मिली हैं। अगली स्टोरी माइकल वॉन की तरफ से। माइकल वॉन ने कहा है कि भाई इंडिया को बेसिकली सजेशन देते हुए मिले, उन्होंने कहा कि इंडिया को स्कोरबोर्ड की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उनको बस अपनी बैटिंग करनी चाहिए, अपनी बैटिंग पे ध्यान देना चाहिए। स्कोरबोर्ड की टेंशन लेंगे, स्कोरबोर्ड पे बार बार नजर मारेंगे तो वो प्रेशर में आएंगे। तो भाई स्कोरबोर्ड को तो देखना पड़ेगा ना कि किस हिसाब से क्या कंडीशन है। मतलब यार आप माइकल वॉन ठीक है, मतलब फिर भी यार। अगली स्टोरी निकल कर आ रही है इंग्लैंड के डेविड मलान की तरफ। डेविड मलान ने कहा है कि भाई मेरा IPL में खेलना तो पूरा पक्का है, लेकिन मेरे को कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं आने वाले एशेज में और जो T20 वर्ल्ड कप है उनमें मैं खेल पाऊंगा भी, यानी उनमें मैं अपनी इंग्लैंड की 11 की टीम में जगह बना भी पाऊंगा या नहीं। अगली स्टोरी पाकिस्तान के शोएब अख्तर की तरफ। शोएब अख्तर ने कहा कि जब मैं अपनी टीनेज में था, जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू ही कर रहा था, तब मुझे बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली 2 आंटियाँ थी मेरे मोहल्ले की, जिन्होंने मुझे कहा था कि तू अपने क्रिकेट करियर में कुछ बड़ा नहीं कर सकता, और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सेम ही बातें बोली थी। तब से मैंने ठान लिया था कि यार मुझे तो कुछ बड़ा करके ही दिखाना है, मुझे अपना नाम बड़ा बनाना है, ऐसा शोएब अख्तर ने कहा। अगली स्टोरी पाकिस्तान के वहाब रियाज की तरफ से निकल कर। वहाब रियाज ने कहा है कि भाई हमें UAE में खेलने का बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, और हम जो पाकिस्तान की टीम है, अगर हम अपने पोटेंशियल पे खेल जाए तो हम बल्कि किसी भी टीम को हरा सकते हैं, इंडिया को भी हम हरा सकते हैं, और यकीनन हराएंगे। इस बार का T20 वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान जीतने जा रही है, इतने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाब रियाज ने ये बात बोली है। अगली स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्ट बॉल की तरफ से। स्मार्ट बॉल की तरफ से नहीं, मतलब स्मार्ट बॉल इंट्रोड्यूस करी गई है क्रिकेट में। इसकी बेसिकली जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है CPL से, जो कल से शुरू हुई है 26 तारीख से, 26 अगस्त 2021। CPL यानी कि कैरिबियन प्रीमियर लीग, इसमें स्मार्ट बॉल इंट्रोड्यूस की गई। स्मार्ट बॉल अगर किसी को नहीं पता है आप लोगों में से, मैंने हालांकि एक वीडियो बनाई है थोड़ी देर पहले, आप चाहे तो चैनल पर देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। स्मार्ट बॉल बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बॉल के अंदर, जो हमारी क्रिकेट बॉल होती है रेगुलर बॉल, उसके अंदर एक चिप इंस्टॉल की जाएगी, जिसकी वजह से
बॉल की बहुत सारी अलग तरह के स्टैट्स, अलग तरह की डिटेल्स मिल पाएंगी, जैसे कि बॉल किस यू नो एफर्ट, किस स्पीड के साथ, किस एफर्ट के साथ, बेसिकली किस पावर के साथ जो है बॉलर के द्वारा फेंकी गई है, और बॉल पिच होने से पहले उसकी क्या रफ्तार है, बॉल पिच होने के बाद यानी बाउंस होने के बाद वो बॉल की पर्टिकुलर क्या रफ्तार है, वो बॉल में वेरिएशन कितना है, वो बॉल रिवॉल्व कितनी हो रही है, अगर वो स्पिन है तो, अगर स्विंग है तो वो कितने डिग्री स्विंग हुई, वो बॉल पढ़ने के बाद कितना रिवॉल्व हुई है, पढ़ने से पहले कितनी रिवॉल्व हुई। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इस बॉल से रिलेटेड जो भी स्टैट्स होंगे, यानी कि जो भी मैंने आपको बताया, जो भी इस बॉल की डिटेल्स हैं, किस स्पीड से फेंकी गई है, स्पीड तो हालांकि स्पीड मीटर बता देता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ें कुछ अलग है, आप वीडियो देख लीजिएगा उसमें आपको अच्छे से पता चल पाएगा, और किस एफर्ट से यानी किस पावर के साथ बॉल फेंकी गई है, वो कितनी स्पिन हुई है, कितनी रिवॉल्व हुई है, तो ये सारा जो स्टैट्स हैं ये सब हम आप लोगों को कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, टैबलेट वगैरह पे आराम से इनकी डिटेल्स मिल पाएगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे क्रिकेट में यूज़ होती है, तो वो तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन अगर सिर्फ किसी के पास वो स्मार्ट बॉल है, जो कि अभी इंडियन मार्केट में ऑफकोर्स नहीं है क्योंकि अभी वो कहीं ना कहीं टेस्टिंग फेज में है, इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन जैसे वो अवेलेबल होती है, तो अगर आपके पास वो बॉल है तो आप अपने कंप्यूटर, अपने स्मार्टफोन पर सारे स्टैट्स अपने बॉलिंग से रिलेटेड, अपनी बॉल से रिलेटेड इन जनरल देख सकते हैं। हाउ कूल इज दैट। अगली स्टोरी निकल कर आ रही है इंडिया के जाहिर खान की तरफ से। जाहिर खान से किसी ने मीडिया में पूछा कि भाई आर अश्विन को खिलाना जो है वो बिल्कुल सही था, उन्होंने शेन वॉन का एग्जांपल दिया कि क्या ऑस्ट्रेलिया टीम शेन वॉन को बाहर बिठा सकती थी कंडीशंस का लॉलीपॉप देके, कि कंडीशंस जो हैं वो स्पिन के फ्रेंडली नहीं है, तो वो शेन वॉन को बाहर बिठा सकते थे। नहीं, शेन वॉन को ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा खिलाया है। उसके जवाब में जहीर खान ने कहा कि भाई ठीक है, शेन वॉन जो है बहुत बड़े स्पिनर थे, फिरकी के जादूगर थे, लेकिन उस टाइम शेन वॉन के अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास कोई और अल्टरनेट स्पिनर नहीं हुआ करता था, लेकिन इंडिया में आर अश्विन को बाहर इसलिए बैठाया गया क्योंकि इंडिया के पास एक अच्छा ऑलराउंडर स्पिनर मौजूद है जो कि है रविंद्र जडेजा। अगर इंडिया के पास कोई फास्ट बॉलिंग वाला ऑलराउंडर मौजूद होता तो ज़रूर इंडिया अश्विन को खिलाता। तो भाई यही थी खबर है आज की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक तो ज़रूर बनता है, शेयर ज़रूर करो अपने क्रिकेट वाले दोस्तों के साथ जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, और मैं आपसे मिलता हूँ फटाफट अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ग्रेट डे, बाय।